तो आज अभी रात के 3 बजे और हम कहाँ पे, जरा घुमाइए हम कहाँ पे। छोटा सा कूलर लगा के सारे बाहर पड़े हुए। इसके हरियाणा सोनीपत में इतनी लाइट जाती है आज तो लगता था मेरे को लाइट का ट्रॉमा क्यों है यहाँ पर, अब पता चला। ये देखो ये मेहनती आदमी, दो दो गद्दे लाना, बचपन की याद हो गई, आंखें खुली तारे ही तारे। लाइट का इंतजार करते रहे। देखो दोबारा बनी है चिड़िया। रिस्टू आ जा, तू भी कूलर के आगे आ जा। मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे थे 8 बजे आ जाओ। हाँ यार, पापा आ जा रहे हैं लेने के लिए कामाक्षी को, और आज ही रात को लाइट नहीं आई। मतलब लाइट को दिखाना था सोनीपत में कि खुशबू झूठ नहीं बोल रही, सच में लड़ जाती है। हम इन्वर्टर में कूलर चला रहे हैं। बंदर बंदर तो नहीं आए? नहीं नहीं, यहाँ बंदर नहीं है, ये तो है बंदर नहीं है, सांप आते हैं बस सीधा। सबसे मस्त है ये देखो, सबसे आगे। इसे ना कूलर की हवा बिल्कुल नहीं पसंद है, एसी की हवा पसंद है। और देखो कूलर की हवा से ना ये तेज पंखा चला दो तो भाग जाती है, और अब देखो सबसे आगे आके लेटे माँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग उठ चुके हैं। खुशबू कल नींद कैसी आई बहन? तो ये प्रिपरेशन जोरों से इसलिए चल रही है क्योंकि पापा आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, तो उसके लिए खुशबू खाना बना रही है, जीजू हमेशा की तरह हेल्प कर रहे हैं। और कल जो है, ये तो बात नहीं कर रहे, मैं ही कर लेती हूँ। कल जो है हम 6 बजे तक, अरे यार, कल हम 6 बजे तक छत पर थे, उसके बाद ऐसी हमें रोशनी लगी, हम भगे, फिर हमें रियलाइज हुआ, अरे हाँ आज सुबह रियलाइज हुआ कि अब तो लाइट आ गई, फिर हम नीचे भागे। ओ भाई, ये वाली रात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, जो मैं खुशबू को चश्मा लेके मैं तारों को देख रही थी, मजे आ रहे थे कि ऊपर छत पे ना वो पुरानी जो होती थी ना गाँव की मेमोरीज, मेरी वो पूरी हो गई सच्ची में कि लाइट चली गई, छत पे कूलर लगा के आसमान के नीचे सो गद्दे पर, तो मुझे तो मजे आए। ठीक है, और जो रोज रोज करता भाई उसे मजे नहीं आएंगे जैसे खुशबू को। यार अपने दिल्ली में भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पापा आ चुके हैं, मैं 10 दिन के बाद डैडी से मिलूंगी। मेरे गम में कितने पतले हो गए हो, तेरे गम में ना होया, ताकि तो दो 10 दिन बाद मिल रहा हूँ मुझसे। पापा मतलब आपका इतना मन नहीं लग रहा था मेरे बिना लेने आ गए पापा, 4 दिन के बाद तो खुशबू ही आ रही थी। मजबूरी है भाई, मजबूरी है। ये होता है बाप का सच्चा प्यार, मन नहीं लगता बेटी के बिना। और भाई कैचो छेम छेम बोल रही लग रहा है, छेम छेम, अरे डाइपर डाल रहा छेम छेम। हाँ डाइपर है। अरे क्या देख रहा है भाई, कुछ तो बोल यार, ऐसे देख रहा है मेरे साथ तो खेल बटे बटे रहा है क्या है, नहीं खिलाओ यार। मैं तो यहाँ पर बन रही है पापा की चाय, पापा की चाय मैं बना रही हूँ क्योंकि पापा का टेस्ट मुझे पता है कि उन्हें कैसी स्ट्रॉन्ग या कैसी कम मीठे की पसंद है। तो ये एक मौसा जी की, एक खुशबू की और एक पापा की, बस ये 3 लोग चाय पी रहे हैं। कब अच्छी चाय बनी है, मेरे को अच्छी नहीं लगी आज, मौसा बहुत मुश्किल मुश्किल से कुछ मीठा कम डाला है। मतलब पापा को चलो डायबिटीज है, आप तो मीठा मैं चक्के बता देगा ना, पापा तो बस घटा करे होंगे, मीठा ही नहीं है बिल्कुल, डाल लवट थोड़ी। तो बारीक से चिपक गए, कैसे देखता है आसमान के नीचे सोई हूँ, तारे देखे। एक महीने पहले गई थे ऊपर,
हाँ छत पे नहीं गए थे ना, उधर छत पे गए थे। मैं बता ही दी थी कि एक दिन गई थी, 3-4 बजे लाइट आई थी। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, गरम गरम पूरियां, पापा की फेवरेट, ये प्याज, आलू छुके हुए, मटर पनीर। अब अगले पूरी बना देते हैं, पूरी के बाद पापा सैलेड वैसे भी नहीं देखते, खाए भी ना। रख दिए सब, प्लेट तो लिया, रायता प्लेट, कटोरी क्रिस्पी, ऐश काटते हुए। क्या मुंह पे लगा है? ले। है? काफी है? तीन है। वो वाली निकाल जो पापा को वही पसंद है। कौन सी? वो पीछे जो रखी है, जो कल वो बड़ी वाली। हम नहीं खाते के लिए कटोरी दे यार, ये काजू की बर्फी। हेलो पापा खा लो, ये तो ना लगा ना फोटो तो ना तो फिर फोन नहीं आया था। लगे बेटा क्या कहेगा तुम्हें काजू की बर्फी? अरे इसका बाबा आपसे मांग रहा है पापा। नहीं नहीं, और 6 महीने के बाद भी नहीं दे सकते हम मिठाई, 1 साल तक। अरे बड़ा छोटा पानी है, छोटा चला रहा है, वो करने है वो देख रहा है। नहीं खा ली। पापा की शक्ल देखिए। तो पापा को इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है घर भागने की, और ये लोग जाने नहीं दे रहे किसी ना किसी बहाने से। पापा क्यों जाना है आपको घर पर? शक्ल इतना दुख क्यों है आपकी जिंदगी में? नो रिस्पांस। जीजू को थोड़ा परेशान करके आती हूँ। जीजू की चाय, जीजू चाय हो गई, क्या हो गई आपकी? बीरबल की खिचड़ी हो गई। 2.5 मिनट और लगेंगे। 2.5 मिनट? ये इंसान टाइमर लगा के चाय बना रहे हैं यार। आ भी रहा है कुछ वीडियो में इधर। आ रहा है, जाली में आ रहे हो आप? हाँ तो आ गया। ये चाय टाइमर लगा के बनाते हैं भाई साहब, वो देखो मस्त उबल रही है, और सेटिंग भी ऐसी करके गई है कि निकलेगी भी नहीं। मेरी तो इतनी में 3 बार निकल जाती है। चलो बढ़िया है, अब बस हम मैक्स 10 मिनट्स में चाय पीकर निकल रहे हैं। शीशा कितना गंदा हो रहा है। फिर मैं अपने घर जा रही हूँ, बहुत जीने हराम किए इन लोगों ने मेरा, घर पे मजे करेंगे। पापा कहते हैं नानू बेटा, नानू बेटा है ना, नानू बेटा। माशा पूछो दादू बेटा। जीजू थर्ड क्लास में रहते, छोटे दादा का। जीजू बड़े वाला बैग उठा लो जरा। ठीक है ठीक है, उठा लिया जाएगा। हाँ सर। हेलो क्या जी, झूला कर रहा है? निकल रहा हूँ मेरी बहन वैसे घर पे आई हूँ, पहले मुंबई में आती थी, पर यहाँ आज मैं ससुराल में आई हूँ, तो ये मेरे को सूट दे रही है क्योंकि मैं रुकी हूँ उसके घर पे। मैं सूट चाहती हूँ, अच्छा था इसे मुंह भाट डालो ना पान लेने। हाँ ये अच्छा है, ये भाट डालो, तुम बैठ लीजिए अंदर, बैठो ले ली। चलो चलो पानी की बॉटल ले ले। अब चल रहा हूँ उधर तक। लाइट तुमने चलाई, मैंने को पापा ने लाइट कैसे जला दी। चलो मम्मी चलो 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 बाय बाय। बाबू देखना कहाँ खड़े। नमस्ते बाबू, कहाँ खड़े हो रहे बार बार? पापा से मिलने के लिए भी उसी पे खड़े। रुला के ही जाएगी ना माने, अभी दूध पी के आया ना इसलिए।